नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से हम एक आग्रह करेंगे कि आप एटीएन लाइव बिहार के फेसबुक पेज पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे हम तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और ये आपका सहयोग हमें चाहिए। देखिए, सिवान की स्थिति अब 2005 के पहले वाली दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सिवान में अपराध का ग्राफ काफ़ी चरम सीमा पर है, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जा रही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो व्यवसायी वर्ग है वो काफ़ी डरा सहमा है। व्यवसायी वर्ग कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं हमारे साथ किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। सिवान का जो हाल हो गया है, कब किसकी ज़मीन कौन से भू माफिया के द्वारा पकड़ ली जाएगी, यह कोई नहीं जानता है। ऊपर से नीचे तक अगर देखा जाए तो सिस्टम हेरा फेरी वाली बन गई है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और ये हाल सिवान के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो अपराध का ग्राफ है वो पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि यही नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार बने, तो उस वक्त के बाद से जो पुलिसिंग की व्यवस्था थी काफ़ी टाइट और चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था थी। लेकिन यही नीतीश कुमार आज के भी समय में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है। लोगों के अंदर डर का माहौल हो गया है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, यह कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से सिवान में आए दिन किसी की ज़मीन जबरन पकड़ करके बाउंड्री करा दी जा रही है, और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से सिवान में स्थितियां उत्पन्न हो रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में गैंगवार हो सकता है, और एक बड़ा गैंगवार होने की संभावना वो दिन प्रतिदिन अब धीरे धीरे दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से भू माफियाओं के द्वारा जो ज़मीन पकड़ी जा रही है, वो पकड़ने वाले कौन हैं, वो कल के अपराधी हैं, कल के बदमाश हैं, जिनके ऊपर कई थानों में अलग अलग कई कांड दर्ज हैं, और वो आज भू माफिया हो चुके हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन भी उन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है, और इसी को लेकर के व्यवसायी वर्ग काफ़ी दहशत में जी रहा है कि कब किसकी ज़मीन को पकड़ ली जाए, किसके साथ कब घटना हो जाए, यह कोई नहीं जानता है। आपने देखा होगा, चाहे वो छपिया का मामला हो, बगीचे में ज़मीन को लेकर जो विवाद हुआ, या फिर आप फतेहपुर इलाके में अगर जाएंगे बाईपास रोड में व्यवसायी की दिन दहाड़े, जो कि शहर का इलाका आता है, और व्यवसायी की दिन दहाड़े ज़मीन पर बाउंड्री करा दी गई, और ये जो एक दीपक कुमार की हत्या हो गई, ये भी टेरी घाट के पास किसी ज़मीन की बाउंड्री हो रही थी, और उसी को लेकर के ये भी विवाद बढ़ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यही नीतीश कुमार उस वक्त भी 2005 में थे, यही पुलिसिंग की व्यवस्था थी, उस वक्त कितनी टाइट व्यवस्था थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यही नीतीश कुमार कल जब 2005 में सीएम बने थे, तो उस वक्त भी यही पुलिसिंग थी, और आज भी उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ सरकार है और पुलिसिंग वही है। फिर क्राइम का ग्राफ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? जिस तरीके से सिवान के लोग 2000 के पहले पलायन करना शुरू हो गए थे, ठीक उसी तरीके से अब स्थिति आ गई है। लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, और व्यवसायी वर्ग तो खास तौर पर डरा हुआ है कि कब किसकी ज़मीन न पकड़ ली जाए। यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल एक गैंगवार वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, और एक बड़ा गैंगवार होने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर नज़र बनाए और भू माफियाओं पर शिकंजा कसे, क्योंकि जो ज़मीन यहाँ पे बहुत लोगों की पुश्तैनी भी ज़मीन है, उस पर भू माफियाओं की नज़र है, और इसको लेकर के ये जगह जगह यह सब सिलसिला चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, उन लोगों का गिरोह है, गुट है, और वो एक ही बार 10 लोगों को 15 लोगों को लेकर के चले जाते हैं, और उनका कहना होता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, थाना भी हमारे हाथ में है।
तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके आपको बता दें, राज्य सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और जो जिले के आला अधिकारी हैं उनको भी कई तरह के मामले यहाँ पे सामने आते हैं। बहुत सारे मामले हैं जो हमारे संदर्भ में है और उस तरीके से सिवान के जो हालात जो दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग डर सहम गए हैं। दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े लूट हो जा रही है और उसके बाद से जमीन तो जब जहाँ भूमाफिया चाह रहे हैं वहाँ पकड़ ले रहे हैं। तो इन गिरोह को तोड़ने की ज़रूरत है, इन बदमाशों पर चाबुक कसने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर व्यवसायी डर गए, सहम गए, तो फिर अपना व्यापार जब नहीं करेंगे तो उनका पलायन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार क्या आखिर क्या करेंगे? और ये तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि ये सुशासन बाबू है, सुशासन की सरकार है। लेकिन जब इस सुशासन की सरकार में ही जब इस तरह की घटना घटने लगे, खास करके आपको सिवान की अगर बात बता दें तो यहाँ पे भूमाफिया हावी हैं और कब किसकी ज़मीन पर चढ़ जाए यह कोई नहीं जानता है। और ज़मीनी विवाद में ही यहाँ पे गैंगवार हो रहा है और ज़मीनी विवाद में जब गैंगवार होता है तो हत्या होती है, उसके बाद पुलिस पहुँचती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो कि पहले से ही प्रशासन जो है इन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसे, इन बदमाशों पर शिकंजा कसे, इन अपराधियों पर शिकंजा कसे जो गैंगवार वाली स्थिति को उत्पन्न कर दे रहे हैं। दीपक की घटना के बाद से व्यवसायियों में बिल्कुल दहशत का माहौल हो गया है कि कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, तो ये गैंगवार न हो, गैंगवार वाली स्थिति उत्पन्न न हो और घटना जो है या न घटे, इसके लिए प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा। नहीं तो जो स्थिति बन रही है ऐसे में प्रशासन पर से भी विश्वास सिवान के लोगों को का उठ जाएगा और प्रशासन को, व्यवसायियों को सुरक्षा देनी होगी, चाहे वो कहीं भी किसी भी थाने के थानेदार हों या फिर सिवान के पुलिस अधीक्षक हों। हम डीएम से भी कहना चाहेंगे कि आप भी जिले पर ध्यान देते हैं विकास के तरफ, लेकिन थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल पर भी एक मीटिंग होनी चाहिए तमाम व्यवसायियों के साथ, क्योंकि व्यवसायी डरे हुए हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है पुलिस कप्तान या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कि सिवान के लोगों की सुरक्षा दें, सिवान के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति अब पैदा हो रही है उससे लग रहा है कि व्यवसायी अब डर सहम गया है और कब उसकी ज़मीन को भूमाफिया पकड़ ले, कहाँ गैंगवार हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, यह कोई नहीं जानता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हम समय समय पर दिखाने का काम करते रहेंगे। एक बार फिर से आपसे आग्रह होगा कि एटीएन लाइव बिहार फेसबुक पेज पर जाएं और फेसबुक पेज पर जाकर के एटीएन लाइव बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एटीएन लाइव पर जाएं और वहां भी जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि तमाम खबरों को हम आप तक पहुँचाने का काम करते रहें। धन्यवाद।